हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए मैं आज एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोग एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन बना के आइएगा। बस आप लोगों को ये वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो, आप लोगों को पूरा देखना है। और मैं आप लोगों का यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है, ये मैं मोबाइल में खोली हुई हूँ। आप लोग अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लीजिएगा क्योंकि आप लोग ये एग्जामिनेशन में ले जाना अलाउ रहता है और बिना इसके हेल्प से आप लोग नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सारे मेथड को पढ़ने वाले हैं, जो ऐसा मेथड जो कि हर साल आता ही है, तो आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, जब इसका काम होगा तो मैं ले आऊंगी, इधर ही है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, तो आराम से समझिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप लोगों को पहला लाइन लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, या फिर द गिवन इक्वेशन इज, और पूरा इक्वेशन को लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा हेयर ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू पता है क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशियंट। तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, वो यहाँ वन, यहाँ क्या है फोर, और जेड का क्या है माइनस वन, है ना। फिर देखिए नीचे में आइए, एक्स का कोफिशियंट क्या है वन, वाई का क्या है वन, और जेड का क्या है माइनस सिक्स। इसमें देखिए एक्स का है माइनस थ्री, वाई का है माइनस वन, जेड का है माइनस वन। ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए, चलिए लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स। तो एक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी इसमें वेरिएबल है ना वो एक्स वाई जेड है, एक्स में लिख लिए। फिर लिखेंगे हम लोग बी, क्या लिखेंगे बी। तो बी हमें हम लोग को पता है जो इधर राइट साइड में है ना वो है क्या है, यहाँ पे माइनस फाइव है, माइनस ट्वेल्व है, और ये फोर है। और ये पता है ये क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन मैं ले हूँ, तो आप लोग अपना एक क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ से ही प्रैक्टिस हो ही जाएगा। तो यहाँ ए है, एक्स है, बी है। तो अब आप लोगों को मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, क्या लिखिएगा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी बराबर हम लोग लिखते ए इज टू बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे ए का क्या है वन फोर माइनस वन, वन वन माइनस सिक्स, माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन, ए लिख लिए। अब बी लिखिएगा, तो बी में क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व फोर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टेप। हम लोगों का जो लक्ष्य है ना वो लक्ष्य पता होना चाहिए, हम लोगों को इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे इसकी हेल्प से इसको जीरो बना लेंगे। बस एक दो तीन, ये तीन एलिमेंट जीरो बन गया, बस आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस आप लोगों को इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करते समय सावधानी बरतनी है, नहीं तो आप लोगों का आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए, और हम लोग जो ऑपरेशन इसमें लगाते हैं ना, तो किस टाइप से ऑपरेशन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है, तो खुशी की बात है आप लोगों को एक स्टेप कम हो गया। अगर यहाँ पे एक नहीं रहता तो हम लोग इसको एक बनाते हैं। चलिए यहाँ एक है पहले से है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, आर टू में ऑपरेशन करेंगे और आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए ऑपरेशन जब आप लोग लगाइएगा ना, तो क्या कीजिएगा पता है, यहाँ आर टू है तो पहले आर टू लिख लीजिएगा, चलिए लिख लिए आर टू। और फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वन है, दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा फोर थ्री कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ना वो, तो यहाँ पे क्या है वन। और फिर डिवाइडेड बाय लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे बाय देके। फिर आप लोग लिखिएगा किसके हेल्प से बना रहे हैं, इसके हेल्प से ना, तो इसका कोफिशियंट वन है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा वन, और ये आर वन है, क्या है आर वन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। फिर अब आर थ्री कर लगाना है, तो आर थ्री में क्या लिखेंगे, अब आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले आर थ्री लिख लेना है, जिसमें भी ऑपरेशन लगाते हैं वो लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस थ्री, तो हम लोग लिख दिए माइनस थ्री। डिवाइडेड बाई किसकी हेल्प से हम लोग को आर थ्री को जीरो बनाना है, इसकी हेल्प से, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वन लिखेंगे और फिर लिखेंगे आर वन। ऑपरेशन किस तरीके से लगाया जाता है ये समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इतना तो पता रहता है कि चल इसमें है ना, इसमें 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 जीरो बनाना होता है, लेकिन ऑपरेशन लगाने नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाने को तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ा दे रही थी, मेरा तो सिंपल ही पढ़ता था, ठीक है, फटाक से पहले से लिखा हुआ है, फटफट बोल दो काम कर दो। लेकिन मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों को पता है आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट है, तो आप लोगों से पैसा ली हुई हूँ, तो अच्छे से काम करके देना होगा ना, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग आर वन में कुछ नहीं किए, तो आर वन में जैसे जैसे है वैसे वैसे ही लिखिएगा। फिर आर टू, आर टू में देखिए यहाँ पे आर टू में क्या क्या लिखा हुआ, एक है, एक है, माइनस छ है, माइनस बारह है, सब में से घटाना है, और वन बाई वन है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का आर वन, आर वन यहाँ वन है, यहाँ फोर है, यहाँ माइनस वन है, और यहाँ माइनस फाइव है। एक में से एक जाएगा तो जीरो, एक में से चार जाएगा तो
माइनस तीन, यहाँ क्या है माइनस सिक्स है और माइनस ऑफ माइनस वन मतलब माइनस सिक्स प्लस वन मतलब माइनस फाइव आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व है और क्या है माइनस माइनस प्लस फाइव, तो माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव क्या हो जाएगा माइनस सेवन, और हम लोग इसमें लिख देंगे जीरो है, माइनस तीन है, माइनस पाँच है, माइनस सात है। फिर हम लोग चेक भी करेंगे और आप लोग भी अपना देखते रहिए कि से मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सारा स्टेप बता दिया गया है, बस उसी तरीके से काम करना है। एक चार माइनस एक माइनस पाँच है, एक में से एक गया तो जीरो, एक में से चार गया तो माइनस तीन, माइनस छः माइनस माइनस प्लस, तो माइनस छः प्लस एक क्या हो जाएगा माइनस पाँच, माइनस बारह माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बारह प्लस आठ माइनस सात हो गया, ठीक है। अब हम लोग आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे, तो चलिए आर थ्री में देखिए यहाँ पे कौन कौन है लिख लेते हैं, ये सब है ना, ये सब जो इधर लिख रही हूँ ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, कहीं पे रफ में अपना लिख लीजिएगा, बस ये वाला लिखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों का रफ है ये। चलिए अब देखिए आर थ्री में करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस थ्री है, माइनस थ्री है, माइनस वन है, माइनस वन है और चार है, इसमें क्या करना है माइनस ऑफ, तो सब में माइनस कर लीजिए, फिर करना है माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री है, और गुणे आर वन, तो आर वन में जो भी है गुणा में एक चार माइनस एक माइनस पाँच। अब लोगों को क्या करना है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ माइनस तीन है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, चार तीन बारह माइनस वन है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तीन, ये क्या है हम लोगों का चार माइनस माइनस प्लस सात, तो ये हो जाएगा जीरो, और बारह में से दो एक गया तो ये हो जाएगा माइनस चार और ये हो जाएगा सात, तो यहाँ लिख देंगे जीरो ग्यारह माइनस चार सात। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ पे सात है, क्या है सात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जीरो बनाएंगे, किसको करेंगे इसको जीरो बनाएंगे, ठीक है, आई होप सब जगह सही लिखा रहा होगा, तो हम लोग इसको जीरो बनाएंगे, तो हम लोग इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से इसकी हेल्प से, तो हम लोग आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे, तो आर थ्री पहले लिखना होगा, फिर माइनस लिखना होगा, फिर यहाँ आर थ्री का कोफिशियंट है वो लिखना होगा, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके हेल्प से बनाना है ना, इसके रो के हेल्प से, तो यहाँ माइनस तीन है ना, तो माइनस थ्री लिखेंगे और आर टू लिखेंगे, आर टू के हेल्प से बना रहे हैं, उसमें आर वन के हेल्प से बनाया था तो आर वन गया था मल्टीप्लाई में, यहाँ आर टू के हेल्प से बना रहे हैं तो आर टू जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ एक है चार है माइनस एक है माइनस पाँच है, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे रो टू में तो वैसे ही रहेगा ना, अब हम लोग रो थ्री में करेंगे, तो आर थ्री में यहाँ पे क्या क्या है, जीरो में से कुछ भी घटाइएगा तो जीरो माइनस, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, जीरो ही आएगा यहाँ, इसको करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा ग्यारह है माइनस चार है सात है, माइनस ग्यारह बट्टे माइनस तीन और गुणे माइनस तीन, तो ये माइनस तीन से तो यहाँ तो जीरो बचेगा, अब हम लोग को ये दोनों निकाल लेना है, तो देखिए ध्यान से करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस चार माइनस ग्यारह बट्टे माइनस तीन गुने माइनस पाँच, ये माइनस माइनस गया, माइनस चार है माइनस माइनस कटा, ग्यारह पच्चे पचपन बट्टे तीन, और ये हम लोग का आ जाएगा तीन, तो एक तिहाई तीन तो चार तिहाई बारह माइनस पचपन, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पाँच दो सात और पाँच एक छः सिक्सटी सेवन बाई थ्री आया, क्या आया माइनस सिक्सटी सेवन बाई थ्री आया है, ओके। आई थिंक सारे जगह हम लोग कहीं भी कुछ गलती नहीं किए होंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, किसको देखते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन माइनस ग्यारह बटे माइनस तीन और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का माइनस सात, तो ये माइनस से माइनस गया तो क्या बचा सात माइनस ग्यारह सत्रह से सत्तर बटा तीन, क्या आया ग्यारह सत्रह से सत्तर बटा तीन, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक तिहाई तीन सात इक्कीस माइनस सत्तर, तो सात में से एक जाएगा तो छः, सात में से दो जाएगा तो माइनस छप्पन बट्टा तीन आया, क्या आया माइनस छप्पन बट्टा तीन आया, ठीक है ना, सही होगा, सात में से जाएगा छः, सात में से दो जाएगा माइनस छप्पन बट्टे तीन आया। तो अब हम लोग का क्या नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है, हम लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे, क्या करेंगे हम लोग जो भी बना है ना इसको चेक करेंगे कि सही है या गलत, ठीक है, और आप लोगों को मेरे भरोसे नहीं रहना है, मैं सिर्फ स्टेप की जानकारी दे रही हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, एक बार फिर से कर ले चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया था वन फोर माइनस वन, ठीक है, यहाँ क्या है वन वन माइनस सिक्स, यहाँ क्या है माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है, एक्स में हम लोग एक्स वाई जेड लिखते हैं, जेड में क्या लिखते हैं माइनस पाँच माइनस बारह और चार, ठीक है, हम लोग पहले यहाँ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, तो एक चार माइनस एक 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 माइनस छः माइनस तीन माइनस एक माइनस चार, ये वाला लिखते हैं माइनस पाँच माइनस बारह, ठीक है,
और फिर हम क्या करते हैं, इसको और इसको जीरो बनाते हैं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लगेगा, आर टू माइनस वन बाई वन आर वन, और आर थ्री में लगाएंगे तो ये आएगा, ये दोनों तो जीरो बन गया। अब हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाए तो ए, तो इसमें लगाएंगे आर टू में, हम लोग लिख लेंगे एक एक माइनस छः माइनस बारह, फिर सब में माइनस माइनस करेंगे आर वन, एक चार माइनस एक माइनस पाँच, एक में से एक जाएगा तो जीरो, एक में से चार गया तो माइनस तीन, माइनस छः है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो माइनस पाँच हो जाएगा, और माइनस बारह है माइनस माइनस प्लस तो माइनस सात हो जाएगा। तो हम लोग लिख दिए जीरो माइनस तीन माइनस पाँच माइनस सात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे, तो आर थ्री में हम लोग यहाँ इधर किए हैं, माइनस थ्री है माइनस वन है माइनस वन है चार है, सब में से माइनस माइनस किए, माइनस टेन से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आर टू से मल्टीप्लाई है ना, किससे है, नहीं इसमें आर वन से, हाँ तो आर वन का एक चार माइनस एक माइनस पाँच, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तीन, ये तो जीरो चला जाएगा, माइनस एक माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बारह हो जाएगा, माइनस एक माइनस माइनस प्लस माइनस 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 तीन और चार और माइनस माइनस प्लस तो सात, तो जीरो ग्यारह माइनस चार सात, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, तो मतलब हम लोगों को बस ये दोनों कैलकुलेशन देख लेना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार है, माइनस चार है माइनस ऑफ ग्यारह बटा माइनस तीन लिखेंगे, ग्यारह बटे माइनस तीन गुने माइनस तीन, तो ये कटा। चलिए हम लोग एक बार इसको और इसको फिर से देख लेते हैं, नहीं तो फिर अगर गलत हुआ ना तो सारा फिर हम लोगों का गलती हो जाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और ये सब आप लोगों को रफ में करना है, आप लोगों को परीक्षा में बस ये लिखा होना चाहिए और ये स्टेप देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इधर करके, आर थ्री में ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस चार माइनस ग्यारह बटे माइनस तीन गुने माइनस पाँच, ये माइनस से माइनस गया तो माइनस चार बटे, यहाँ पे माइनस तीन ही होगा ना, कुछ और नहीं ना होगा, नहीं होगा, चलिए ठीक है, माइनस ग्यारह तो ग्यारह पच्चे पचपन बट्टा तीन, ये आया तीन, एक ती आई तीन तो चार ती बारह, पचपन दो छः, अच्छा यहाँ पे 77 हो जाएगा, पाँच दो सात, नहीं पाँच एक सौ ठीक तो है, पाँच दो सात पाँच एक सौ 67 बाई थ्री आ जाएगा, माइनस 67 बाई थ्री यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है 67। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर थ्री में है तो सेवन माइनस ग्यारह बट्टे माइनस तीन गुने माइनस सात, ये माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, ठीक है, तो बचा सात माइनस सत्तर बट्टे तीन, तो एक ती आई तीन सात ती इक्कीस माइनस सत्तर, तो सात में से एक जाएगा तो छः, सात में दो जाएगा तो पाँच, माइनस छप्पन बट्टे तीन, चलिए माइनस छप्पन बट्टे तीन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट स्टेप समझिए, अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, और आप लोग देखिए मैं तो आप लोग के सामने पूरा कैलकुलेशन चेक की हूँ, आप लोगों को भी करना है और फिर बताना है क्या आया आप लोगों का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई माइनस सेवन सिक्स सेवन बाई थ्री जेड इक्वल टू दिस। तो चलिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों का आएगा माइनस सिक्सटी सेवन बट्टा जेड बटे थ्री, माइनस सिक्सटी सेवन बटे थ्री जेड इक्वल टू माइनस छप्पन बटे तीन, ये तीन से तीन कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, छप्पन बटे सड़सठ, ठीक है, ये क्या आ गया आप लोगों का, जेड का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन अगर आप लोग यहाँ से बनाना चाहिएगा, यहाँ से तो पता है क्या बनेगा, माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस, नहीं माइनस थ्री वाई माइनस फाइव जेड, इक्वेशन कैसे बनाया पता है, चलिए मैं बताती हूँ, इसको इक्वेशन बनाइए वन एक्स, देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखिएगा वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू वाई प्लस माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू माइनस फाइव, इसी तरीके से ये तीन इक्वेशन बन जाएगा, और तीन इक्वेशन से पहले थर्ड इक्वेशन से हम लोग जेड का मान निकालेंगे, फिर जेड निकालने के बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करके वाई का मान निकालेंगे, फिर जेड वाई निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग यहाँ पे माइनस थ्री वाई माइनस फाइव जेड इक्वल टू है माइनस सेवन के है, ठीक है, तो हम लोग आप कैलकुलेटर का हेल्प ले लेंगे, ठीक है, माइनस थ्री वाई है माइनस फाइव इंटू छप्पन बटा सड़सठ माइनस सात, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सात प्लस पाँच गुने छप्पन बटा सड़सठ, और हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं ना, खुल जा, चलो
क्लियर और तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सॉल्व करना है ना, माइनस सेवन है, माइनस टिप रहे क्या, टिप रहे क्या, ये मोबाइल है ना ख़राब है। क्लियर करना है, शिफ्ट दबाओ फिर क्लियर करो। चलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊँ। देखिए आप लोगों को है ना इसमें जितना भी दिख रहा है ना येल्लो कलर का, जैसे साइन इनवर्स निकालना हो, कॉस इनवर्स निकालना हो, टेन इनवर्स निकालना हो, ठीक है, जो भी येल्लो कलर का दिख रहा है ना, या फिर यहाँ क्लियर ऑल करना है, ठीक है, यहाँ पे या वेक्टर फंक्शन मैट्रिक्स निकालना है, तो आप लोगों को जो भी येल्लो वाला है पहले शिफ्ट दबा लीजिएगा, फिर टिप लगाना तो येल्लो वाला काम करेगा। फिर जो भी नीला वाला यहाँ हेल्प है, यहाँ पेस्ट है, यहाँ कॉट इनवर्स है, मतलब कि नीला वाला, तो वो आप लोग को यूज करना होगा, तो पहले अल्फा दबा लीजिएगा फिर यूज कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो इसको अगर हम लोग को करना है ना, तो माइनस सेवन है, फाइव इंटू फिफ्टी सेवन, फाइव इंटू फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सिक्स है ना, हाँ फाइव इंटू फिफ्टी सिक्स और फाइव इंटू फिफ्टी सिक्स क्या आ गया, कैलकुलेट हुआ, टू एट्टी आया, क्या आया, टू एट्टी, फाइव इंटू फिफ्टी सिक्स माइनस सेवन प्लस 280 बाई 67। तो हम लोग क्लियर ऑल शिफ्ट दबाओ, क्लियर ऑल करो, शिफ्ट दबाओ, क्लियर, अरे हाँ चलिए हो गया। अब क्या है हम लोगों का, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, विजिबल नहीं है, चलिए अब सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 280 बाई 7, 280 नहीं, कट 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 का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, डिलीट है, 280 बाई 7, 280 बाई 7 क्या आया, अरे 7 नहीं था, 67 था, डिलीट, 6, ओ सॉरी 6 7, क्या 4.179, माइनस 7 प्लस 4.179। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस सेवन प्लस 4.179, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस कैलकुलेटर में देखिए आप लोग, माइनस 2.821। तो ये किसका वैल्यू आ रहा है पता है, 3y का, माइनस 3y का वैल्यू आया, तो माइनस से माइनस गया तो y का वैल्यू आ गया हम लोगों को 2.821/3। अब क्या कीजिएगा, अब आप लोग इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आप लोगों को x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है, और फिर अपना x का मान निकाल लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को स्टेप अच्छे समझा दी, हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए, अब हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे जिराफी मेथड टू फाइंड ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, इस पर आप लोग 5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है, आंसर मैं बता दे रही हूँ। दो क्वेश्चन का आंसर बताइए, तीन क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद फाइंड कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लोग अपने हाथों से नहीं ना बनाइएगा, सिर्फ स्टेप जान जाइएगा कि हाँ इसको 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 जीरो करना है, इस दोनों को जीरो करना है इसके हेल्प से, और इसको जीरो करना है इसके हेल्प से, तो जान गए, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि चला दिया, कि बता दिया स्कूटी है ना ऐसे चलाना है, ऐसे एक्सीलेटर मतलब जो भी है ऐसे उस करना, फिर अपना जो भी प्रोसेस है, ऐसे मुझे तो चलाने नहीं आता, जो प्रोसेस है वो बता दिया, तो क्या आप मार्केट में चला लीजिएगा, नहीं, आप लोगों को पहले गाँव में प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से, फिर आप लोग मार्केट में जाइएगा तो चला पाइएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को मैं स्टेप बता दी, एक क्वेश्चन भी बता दी बना के, अब आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से बनाना होगा, आंसर मिलाना होगा, फिर आप लोग एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आप लोगों के परीक्षा में 6 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर मूव करेंगे, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को गॉस एलिमिनेशन पढ़ा दी हूँ, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड समझाती हूँ। जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड में हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं पता है? सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें सबसे पहला काम कीजिएगा, आप लोग दिमाग में बैठाइए, सबसे पहला काम कीजिएगा ऑड पावर को अलग कीजिएगा और इवन पावर को अलग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ऑड पावर को अलग करना है और इवन पावर को अलग करना है, ठीक है, कर लिए। जब ऑड पावर को अलग कीजिएगा और इवन पावर को अलग कीजिएगा तो जो भी कॉमन निकलने वाला है उसको कॉमन निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? उसको कॉमन निकाल लीजिएगा। कॉमन निकालने के बाद क्या कीजिएगा? एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई पुट कीजिएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई पुट करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए इसमें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। यहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, और देखिए यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन दिया था ना, तो इसमें ऑड पावर को अलग किए, इवन पावर को अलग। पावर कहने का मतलब यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो 1, 3, 5 ये सब ऑड होता है, तो ऑड को अलग कर लिए, इवन को अलग कर लिए, ठीक है, कर लिए जैसा आप बोले। फिर क्या करना है, इसमें जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लीजिए, तो इसमें कॉमन एक्स निकल सकता है तो निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसमें भी कॉमन अगर आप लोग चाहें तो 2 निकाल सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आप लोगों का ये वाला स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट करेंगे, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कीजिएगा, तो यहाँ वाई लिख दिए, यहाँ वाई, यहाँ पे वाई। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कर लिए, फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ठीक है, और फिर वाई से जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आया आप लोगों का, वाई क्यू प्लस 129 वाई इक्वल टू 30 वाई स्क्वायर प्लस जेड। फिर हम लोग ऑड को अलग करेंगे, इवन को अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे और वाई स्क्वायर के जगह पर जेड पुट करेंगे। क्या करेंगे? जेड पुट करेंगे। और फिर आप लोग ये 129 का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ रहता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर की जगह पे जेड पुट कर लेंगे, तो फिर हम लोगों का जेड का इक्वेशन आ जाएगा। फिर जब जेड का इक्वेशन आ जाएगा तो फिर से वही करना है, क्या करना है, हम लोगों को उसको स्क्वायर करना है और जेड स्क्वायर की जगह पे यू पुट करना है, ठीक है। कितना बार करना है, पहले तो सबसे पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट करो, दूसरा स्टेप क्या है, वाई स्क्वायर की जगह पे जेड पुट करो, तीसरा स्टेप क्या है, जेड स्क्वायर की जगह पे यू पुट करो, ठीक है। तो आप लोग जब जेड स्क्वायर की जगह पर यू पुट कर लीजिएगा तो फिर यू में इक्वेशन आ जाएगा, तो फिर बस यू में इक्वेशन आ जाएगा तो फिर रुक जाना है, ठीक है, यू में इक्वेशन आ जाएगा तो रुक जाना है। और इसको पता है हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको पता है कैसे कंपेयर करेंगे, ए नॉट यू क्यू माइनस ए वन यू स्क्वायर, ठीक है, क्या इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको कंपेयर कीजिएगा, ए नॉट यू क्यू माइनस सॉरी प्लस ए वन यू स्क्वायर प्लस ए टू u प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो, और वहाँ पे कंपेयर करके हम लोग ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम लोग का ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वन निकालेंगे, जो भी ए वन दिया रहेगा ना उसका पावर हम लोग 1/8 कर लेंगे, ठीक है, मतलब हम लोग इसको क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, जो रूट अंडर क्यूब होता है ना उसको हम लोग 3 बार कर लेंगे, आ जाएगा 1/2, रूट अंडर जो रूट अंडर वाला टर्म होता है ना, कैलकुलेटर पे कीजिएगा ना, तो वैल्यू रख के 3 बार रूट का रूट वाला रूट अंडर वाला टर्म दबाइएगा, फिर आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो एक्स वन ऐसे निकालेंगे, एक्स टू कैसे निकालेंगे, तो ए टू बाई ए वन, क्या करेंगे, ए टू बाई ए वन और उसका पावर 1/8 करेंगे, और एक्स थ्री कैसे करेंगे, तो ए थ्री बाई ए टू बाई वन के पावर 1/8, ठीक है। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, फिर से मैं बता रही हूँ, समझिए, देखिए एक्स वन निकालेंगे तो सीधा ए वन के पावर 1/8 कर लेना है, ठीक है, फिर एक्स टू निकालेंगे ना तो ए टू बाई ए वन उसका पावर 1/8 कर लीजिएगा, एक्स थ्री निकालिएगा तो ए थ्री बाई ए टू के पावर 1/8 कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप लोगों का सारा रूट निकल के आ जाएगा। तो जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया, गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देती हूँ जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड पर, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखिए, मैं ऐसे तो जिराफे मेथड स्क्वायरिंग जो रूट है, जो भी जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड है उसको मैं आप लोगों को बता दी, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि क्वेश्चन है ना 100% चांसेस है कि इस बार एग्जामिनेशन में आएगा। क्यों ऐसा मैं बोली हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन 17 में आया था ना 19 में भी न्यूमेरिकल डिजिट भी सेम आया है, तो जो 21 में आया है वो मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि आप लोग का 23 में भी वही आएगा और न्यूमेरिकल डिजिट यही रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ऐसे अगर कोई भी दूसरा न्यूमेरिकल डिजिट भी आएगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा में स्टेप सेम लगता है, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट वर्ड के लिए कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहला टर्म दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स,
तो चलिए ये सब ऐसे ही है, मतलब कि साइन कितना बार चेंज हो रहा है, अगर साइन दो बार चेंज हो रहा है तो दो पॉजिटिव रूट आएगा और एक नेगेटिव रूट आएगा, इस तरीके से आप लोगों का होता है। तो ये ऐसी है, इसको नहीं भी लिख लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन चालू करिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, सर ये लिख लिए, फिर क्या करेंगे ऑड पावर को अलग और इवन पावर को अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड पावर को अलग किए है और इवन पावर को अलग किए कर लिए। देखिए इसका पावर एक है, इसका पावर मतलब इसका पावर तीन है, इसका पावर एक है, अलग हो गया, और इसका दो है और इसका पावर जीरो है। ऑड को किए अलग, इवन को किए अलग। अब इसमें हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन क्या निकाले, एक्स निकालिए, फिर हम लोग का टर्म आ गया। कॉमन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट करना होता है। तो इसको स्क्वायर कर लिए और इसको एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर लिए, ठीक है। अब स्क्वायर करने के बाद हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का फिर एक इक्वेशन बन जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर ऑड को अलग करते हैं और इवन को अलग करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं और वाई स्क्वायर की जगह पे जेड पुट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पे जेड पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोगों का एक इक्वेशन बन जाता है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग ऑड को अलग इवन को अलग करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको ऑड को, मतलब वही जो स्टेप मैं पीछे बताई हूँ ना, वही स्टेप है, बस मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब कि आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देना था ना, तो आप लोगों को यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में कीजिएगा, आंसर मिलाने के लिए मैं बस बता रही हूँ। तो फिर हम लोग का एक, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई पुट कर लीजिएगा, फिर वाई स्क्वायर की जगह पर जेड पुट कर लीजिएगा, फिर जेड स्क्वायर की जगह पर यू पुट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यू में एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर यू में इक्वेशन आ जाएगा तो उसको कंपेयर करके ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री निकाल लीजिएगा। फिर आप लोग निकालिएगा एक्स वन, एक्स वन कैसे निकालिएगा, ए वन के पावर वन बाई एट करके। फिर निकालिएगा एक्स टू, वो कैसे निकालिएगा, तो ए टू बाई ए वन के पावर वन बाई एट करके। फिर निकालिएगा एक्स थ्री, तो वो निकालिएगा कैसे, ए थ्री बाई ए टू के पावर वन बाई एट करके। तो हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक है, और ये हम लोग लास्ट में कैलकुलेटर से निकाल के वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं लिखवाती हूँ, ठीक है, लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, यही क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है खुद से, फिर से ये एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कौन सा है, एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टेन। क्या है क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टेन। ये दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा जिराफे मेथड, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड पे यही क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का गॉस एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट होता है, और तो हम लोग का गॉस एलिमिनेशन कंप्लीट, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड कंप्लीट। छः क्वेश्चन बनाना रहता है परीक्षा में एक पेपर में, तो आप लोगों का दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। अब चलिए चार क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। चलिए आप लोग जो है ना गॉस सीडल इटरेशन पे ये दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को गॉस एलिमिनेशन मेथड समझा दी हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड कर लिए हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, इसके बाद हम लोग किए गॉस सीडल इटरेशन मेथड। अब मैं आप लोगों को क्या करवाऊँगी, अब मैं आप लोगों को करवाऊँगी रुंगे कुत्ता मेथड, ठीक है। आर के ऑर्डर हम लोग, आर के मेथड शॉर्टकट में याद रखेंगे, आर के मेथड अब हम लोग करने वाले हैं। तीन क्वेश्चन हम लोग कर लिए, हम लोगों को परीक्षा में करना है छः क्वेश्चन, तो तीन क्वेश्चन और हम लोग पढ़ लेते हैं। और जो छः क्वेश्चन मैं बताऊंगी, ये छः क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में जरूर आएगा, उसको देखिएगा और उसको बनाइएगा और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास थोड़ा भी टाइम नहीं है जो मैं फालतू का बकवास करूँ, तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये फैन चालू है ना तो ये उड़ रहा है। चलिए देखिए आर के मेथड में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ले लिए एक्स प्लस वाई, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, अप्लाई आर के मेथड टू फाइंड देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई, और विथ कुछ दिया हुआ रहेगा वैल्यू, ठीक है, उस पर निकालना रहेगा, ठीक है। वाई पे कुछ भी वैल्यू पे 0.2 पे हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। और परीक्षा में एक्स नॉट का वैल्यू दिया रहता है, किस चीज़ का वैल्यू दिया रहता है, एक्स नॉट का वैल्यू दिया रहता है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेती हूँ, ठीक है, एक बार। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख ली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था, और इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, उड़ जा रहा है बाबा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर के मेथड। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर के मेथड में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आर के मेथड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आर के मेथड। तो आर के मेथड पढ़ेंगे तो बस हम लोग को के निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना है। जैसे ही के निकला हम लोग का काम खत्म, ठीक है। तो के का फॉर्मूला होता होगा ना कुछ, तो के का फॉर्मूला क्या होता है लिखिएगा, के इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू
के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? के का फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? के का। तो के इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? वन बाई सिक्स इंटू टू के वन प्लस सॉरी वन बाई सिक्स इंटू के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस थ्री प्लस के फोर। ठीक है, ये तो ये आप लोग याद रखिएगा के का फॉर्मूला। हम लोग पढ़ रहे हैं आर के मेथड। आर के मेथड पढ़ रहे हैं तो हम लोग को के निकालना है। के निकालना है तो के इक्वल टू क्या होता है ये? तो हम लोग अब हम लोग को के वन के टू के थ्री के फोर निकालना है। तो के वन का फॉर्मूला होता है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, के टू का फॉर्मूला क्या होता है? के टू का फॉर्मूला होता है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू और वाई नॉट प्लस के वन वाई टू। क्या होता है फॉर्मूला, याद रहेगा? सॉल्व कैसे करेंगे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, बस फॉर्मूला याद रखिए। के वन इक्वल टू एच ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और के टू इक्वल टू एच ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू और वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। ठीक है, के थ्री का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? तो के थ्री का फॉर्मूला होता है आप लोगों का एच ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू। ठीक है, और इसमें आता है वाई नॉट प्लस के टू बाई टू। फिर आप लोगों का के फोर का फॉर्मूला सिंपल होता है एफ के फोर का फॉर्मूला क्या होता है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के थ्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ना, के थ्री के का फॉर्मूला है के वन के टू के थ्री का। ठीक है, ठीक है ना, चलिए याद हो गया आप लोगों को? याद हो गया तो बताइएगा। चलिए बताइए तो के का फॉर्मूला क्या है? के का वन बाई सिक्स इंटू के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर। चलिए गुड, अब के वन बताइएगा तो के वन का फॉर्मूला है एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। चलिए तो के टू का बताइए तो एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू और वाई में हो जाएगा वाई नॉट प्लस के वन वाई टू। के थ्री का बताइएगा तो के थ्री का हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू और कॉमा वाई का हो जाएगा वाई का वाई नॉट प्लस के वन वाई टू। क्या हो जाएगा वाई में? वाई नॉट प्लस के वन। ठीक है, वाई नॉट और उसमें ऐड करना है के वन बाई टू। ठीक है, प्लस के वन बाई टू। और बताइएगा लास्ट के फोर का फॉर्मूला तो एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के थ्री। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है? अब हम लोगों को बस सारा फॉर्मूला सारा वैल्यू निकाल लेना है और उसमें पुट कर देना है और हम लोग फाइनल आंसर जो लिखेंगे ना, फाइनल आंसर वो हम लोग लिखते हैं वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। क्या लिखते हैं फाइनल आंसर? वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। चलिए अब हम लोग इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो निकालेंगे। हम लोगों को इस पे निकालना है वैल्यू और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये हम लोग का एक्स नॉट है और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोगों का वाई नॉट है। एक्स नॉट वाई नॉट पता चल गया। चलिए सबसे पहले के वन निकालते हैं। तो के वन का फॉर्मूला क्या होता है? एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। अब हम लोगों का एच पता है कैसे निकलता है? एच एच तो एच हम लोगों का क्या होता है? एच हम लोग का एक्स वन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हम लोगों का एक्स वन के बराबर होता है। ठीक है, और ये हम लोगों का है एक्स वन। इसी पे वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग मान लेंगे एक्स वन। ठीक है, जब आप लोगों का ये वैल्यू जीरो दिया रहेगा ना एक्स नॉट, देखिए एच का जो रियल फार्मूला है ना वो मैं आप लोगों को बता दूँ। एच का जो रियल फार्मूला होता है एच इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ठीक है, एच का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ठीक है, जो इंटरवल होता है ना वो नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले को घटा देंगे। तो एक्स वन यहाँ पे क्या है? एक्स वन, एक्स वन यहाँ जीरो पॉइंट टू है तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो पॉइंट टू। और एक्स जीरो क्या है? जीरो, तो मतलब जीरो पॉइंट टू में जीरो जाएगा तो जीरो पॉइंट टू। तो एच का वैल्यू क्या है? जीरो पॉइंट टू। तो हम लोग एच की जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए एच की जगह पे हम लोग लेंगे जीरो पॉइंट टू। और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट क्या है? जीरो है और वाई नॉट क्या है? जीरो है। तो हम लोग का जो भी फंक्शन है ना तो उसमें एक्स और वाई के जगह पे ये डालेंगे। तो हम लोग का फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। और एक्स नॉट और वाई नॉट का वैल्यू क्या है? जीरो। तो हम लोग एक्स नॉट या फंक्शन का वैल्यू क्या था पता है? एक्स एक्स प्लस वाई था। ठीक है, और हम लोग का एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, तो हम जीरो जीरो क्यों लिखे हैं? एक्स नॉट है जीरो और वाई नॉट है वन। वाई नॉट क्या है? वो एक के बराबर है ना, तो वाई नॉट एक। तो हम लोग का एक्स जीरो वाई जीरो टू, एक्स जीरो है जीरो और ये है वन, जीरो पॉइंट टू है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो पॉइंट टू आएगा। के वन का वैल्यू क्या आया? जीरो पॉइंट टू। अब चलिए के टू निकालते हैं। ठीक है, तो के टू कैसे निकालेंगे? एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई टू। तो एक्स नॉट क्या है आप लोगों का? एक्स नॉट है जीरो और एच बाई टू, मतलब जीरो पॉइंट टू में अगर दो से भाग करेंगे तो जीरो पॉइंट वन आएगा और जीरो में जीरो पॉइंट वन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो पॉइंट वन। अब हम लोगों का आता है वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। क्या आता है आप लोगों का? वाई नॉट प्लस के
वन बाई टू। तो के वन क्या है, के वन है 0.2, 0.2 को अगर हम लोग दो से भाग करते तो 0.1 आएगा और 1 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1। अब हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ है ना x प्लस वाई, तो x के जगह पे हम लोग 0.1 और y के जगह पे ये डालेंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0. कुछ भी आ जाएगा, हम लोग 0.24 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, के थ्री निकालेंगे। तो के थ्री कैसे निकलता है, वैसे ही फॉर्मूला रख के h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू। तो यहाँ तो 0.1 ही आएगा, f ऑफ 0.1 और इसमें आ जाएगा 1.12 आएगा। क्या आएगा, 1.12 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। गुना करने के बाद आता है आप लोग का 0.244। ठीक है, तो हम लोग 0.2 दो ही फोर होगा, एक फोर बढ़ा दो फोर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, के फोर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए निकालते हैं के फोर। तो ठीक है ना, तो के फोर का फॉर्मूला क्या होता है, के फोर का फॉर्मूला किसी को याद है, h इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट प्लस h और y नॉट प्लस के थ्री, y नॉट प्लस के थ्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को सॉल्व करने के बाद आता है 0.288 के। ठीक है, फिर हम लोग k में सारा वैल्यू रख दीजिएगा ना, 1/6 इंटू के वन प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। तो आप लोगों का सारा वैल्यू रख दीजिएगा, तो आएगा 0.2428। और हम लोग फाइनल आंसर जो लिखेंगे y ऑफ 0.2। ठीक है, y ऑफ 0.2 वो क्या होता है, y नॉट प्लस k, y नॉट हम लोग का 1 था, k आया 0.2428, तो आंसर आ जाएगा 1.2428। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करिए, इस तरीके से मैं आप लोगों को आर के मेथड पढ़ाई, क्या पढ़ाई, रुंगे कुत्ता मेथड टू फाइंड एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। समझ गए, सबसे पहले इस वैल्यू पे निकालना है, तो इसको जो जिस वैल्यू पे निकालने के लिए बोलेगा उसको x1 मान लीजिएगा, और जो दिया रहेगा y और x का वैल्यू उसको x0 y0 मान लीजिएगा। फिर आर के मेथड है तो हम लोग k निकालेंगे, k का ये फॉर्मूला होता है, k में यूज हुआ है k1 k2 k3 k4, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए, फिर हम लोग वैल्यू डाल देंगे, फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कौन कौन चार क्वेश्चन कर लिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड हो गया, गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड हो गया, अप्लाई आरके मेथड, रुंगे कुत्ता मेथड हो गया। तो वैसे स्टूडेंट जिनको बहुत ही डर लग रहा था एग्जामिनेशन से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मैसेज वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए तो अब टेंशन खत्म हो गया। चार क्वेश्चन बना लेंगे, तो चार क्वेश्चन में 16 नंबर के हिसाब से 16 चौका 6 बनाना था, 16 6 96। ठीक है, तो हम लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, तो एक क्वेश्चन को अगर 16 मार्क्स मान लेंगे तो 16 चौका 64, लगभग 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाइक तो हो गया ना, अगर चारों सही से बना लीजिएगा तो। चलिए अब बचा दो क्वेश्चन, तो हम लोग उस दो क्वेश्चन को भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो पेड बैच में जो बच्चे ज्वाइन है ना वो पैसा देकर ज्वाइन है, तो अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है ना, ठीक है, और वो भी ऑनलाइन में, तो उन लोगों को चाहिए पूरा 100% मार्क्स। ठीक है, नहीं अगर मार्क्स तो आना या ना आना ये तो यूनिवर्सिटी के हाथ में कैसे चेक करेगा क्या होगा, लेकिन कम से कम आप लोग 100% बना के तो आए। ठीक है, ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं, कैसे हाँ 6 का 6 क्वेश्चन अच्छे से बना के आए, अब नंबर क्या आएगा कोई मतलब नहीं, 6 का 6 अच्छे से बना के लाना है, आना है। ठीक है, तो चलिए चार क्वेश्चन कर लिए, हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, फिर छठा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं आप लोगों को फिफ्थ मेथड रेगुलर फालसी मेथड बताऊंगी, और इसके बाद मैं न्यूटन रैप्सन बता के वीडियो को ख़त्म करूंगी। ठीक है, और आप लोग सिर्फ इतना ही 6 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये 6 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है, तो इस साल भी आएगा ही, क्यों, कोई दुश्मनी थोड़ी है कि इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग रेगुलर में फालसी मेथड देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। आप लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिएगा एक, ठीक है, एक ऐसे कर्व बना लीजिएगा और यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को मिला लीजिएगा, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट का नाम दे दीजिएगा x1 y1 है और ये है x2 y2। अगर ये x1 है तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये इतना पोर्शन y1 होगा और ये x1 होगा, दूरी है ये, तो हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। इसमें x1 y1 डिनोट नहीं किया, इसमें x1 के जगह पे यहाँ a f w of a ऐसे करके डिनोट किया, तो डिनोट करने का अपना अपना तरीका है कि इसको पॉइंट पॉइंट को a है, ठीक है, और y में इसका वैल्यू रखिएगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन है, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ना आप लोगों को, तो अगर a पॉइंट को लीजिएगा तो f ऑफ a आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ b पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक
एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन का, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो वी हैव टू फाइंड अ रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट फाइंड करेंगे। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू रखेंगे, और जैसे ही हम लोग का साइन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट आएगा, हम लोग समझ जाएंगे यही हम लोग का ए और बी का वैल्यू है। तो लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट सच डैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स क्रॉसेज एक्स एक्सिस एट सेम पॉइंट एट सम पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, दिस इंडिकेट्स डैट अ रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जैसे ही जिस भी साइन पे आप लोगों को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, तो आप लोगों का रूट उसी के दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग लिखना चाहेंगे इक्वेशन उस क्वाड का, ठीक है, इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे, ये जो कॉर्ड है वो। तो आप लोगों को लाइन का इक्वेशन लिखने आता है, अभी मैं बताती हूँ कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा बहुत थ्योरी है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग हम लोग लिखते हैं ना ये दो, अगर हम लोग का अगर इस पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो क्या है, ये इधर है बी है और ये है एफ ऑफ बी, यही है, जस्ट वेट, बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट अच्छे से इसमें नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, देख लेते हैं एक्स में कितना बढ़ा हुआ है और वाई में कितना, अच्छा हाँ दिया हुआ है ना, बी ऑफ बी एफ ऑफ बी है, देखो यहाँ पे पॉइंट है बी है और एफ ऑफ बी है। अगर आप लोगों को दो पॉइंट पता है ना तो उसका इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन है यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, तो यहाँ वाई टू क्या है एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए और इनटू हो जाता है एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन यहाँ ए है तो यहाँ पे एक डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इन दिस इंटरवल ए बी द ग्राफ ऑफ एफ एक्स कैन बी कंसिडर एज अ कोड सो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट बाई वन विथ एक्स एक्सिस विल गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ आप लोगों का ये आप लोग का कर्व है और ये है आप लोग का लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आप लोग का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो कर्व है ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना यही हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ठीक है। तो यही हम लोग का इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इस पॉइंट का जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो हम लोग जब एक्स पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग वैल्यू इसी तरीके जो एक्स आया ना वो हम लोग का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन देखेंगे और एफ ऑफ ए देखेंगे, साइन अपोजिट आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ ए आर ऑफ अपोजिट साइन देन द रूट लाइज बिटवीन ए एंड एक्स वन। अगर दोनों का साइन अलग है तो रूट ए और एक्स वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है, और ए और एक्स वन के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, बी को रिप्लेस कर देंगे एक्स वन में, ठीक है। सो वी रिप्लेस बी बाई एक्स वन इन टू एंड गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू। फिर क्या हो जाएगा, बट इफ़ एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ ए आर ऑफ सेम साइन देन द रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी, सो वी रिप्लेस ए बाई एक्स वन इन इक्वेशन टू एंड गेट द अप्रोक्सीमेशन एक्स टू। ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे पहले तो आप लोग है ना जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें क्या कीजिएगा, अलग अलग वैल्यू रखिएगा एक दो तीन चार, और जिस जैसे ही आप लोगों का फंक्शन का वैल्यू का साइन चेंज होगा ना तो वहाँ पर आप लोगों को स्टॉप हो जाना है, ठीक है, स्टॉप हो जाइएगा। तो और उसी को आप लोग पॉइंट ले लीजिएगा एक्स वन और ए और बी ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला है उससे निकालिएगा, तो एक्स इक्वल टू वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है तो एक्स वन इक्वल टू जो एक्स इक्वल टू जो मैं फॉर्मूला डिराइव की हूँ ना तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वही एक्स वन निकालते हैं, तो एक्स वन निकल जाएगा और ए हम लोग को पहले ही निकाले हुए, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे। फिर देखेंगे दोनों का साइन कैसा है, अगर दोनों का साइन सेम है तो हम लोग कुछ और करेंगे, दोनों का साइन अपोजिट है तो हम लोग कुछ और करेंगे। तो अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तो रूट जो है वो ए और एक्स वन के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का इक्वेशन जो हम लोग याद किया है ए इंटू एफ बी, क्या याद किया है, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जहाँ जहाँ बी दिख रहा है ना वहाँ वहाँ एक्स वन लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोगों को बी दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग एक्स वन बी बाई एक्स वन, जहाँ जहाँ बी दिख रहा है वहाँ वहाँ एक्स वन लिख देंगे और हम लोग नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू कैसे निकालते हैं, रेगुलर फालसी मेथड समझ में आया, रेगुलर फालसी मेथड में सबसे पहले हम लोग का अलग अलग वैल्यू रखना है एक्स का, और जैसे ही वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, वैसे हम लोग मान लेंगे
जैसे वैल्यू निगेटिव होगा ना, जैसे वैल्यू फंक्शन चेंज होगा तो उसको ए और बी मान लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करके। एक्स वन निकल जाने के बाद हम लोग एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो रूट जो है वो ए और एक्स वन के बीच में लाई करेगा। और हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ उस इक्वेशन में हम लोग का बी है वहाँ वहाँ एक्स वन पुट करके नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अगर दोनों का सेम साइन है तो हम लोग का रूट जो है वो एक्स वन और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स वन और बी के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को एक्स वन से रिप्लेस कर देंगे और हम लोग का नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू निकालेंगे। और इसी तरीके से प्रोसेस को करते चलेंगे, कब तक, जब तक कि हम लोगों का मतलब कि सेम वैल्यू नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को रेगुलर फॉल्सी मेथड समझाती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो रखे, वन रखे, टू रखे, थ्री रखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्या आया वैल्यू, वैल्यू निगेटिव आया, फिर निगेटिव आया, फिर निगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही चेंज हुआ, हम लोग मान लेंगे ये ए इक्वल टू टू है और बी इक्वल टू थ्री है, रूट जो है वो टू और थ्री के बीच में लाई करेगा। अब हम लोगों को क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे जो भी फॉर्मूला है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स वन इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला में रख के निकाल लिए, तो एक्स वन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे और एफ ऑफ ए तो निकला हुआ है, तो ये हम लोग निकाले। तो हम लोग का यहाँ पे प्लस में आया है एक्स क्या है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स वन क्या आया है, माइनस में आया है यहाँ पे जब हम लोग एफ ऑफ एक्स वन निकाले तो। और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हम लोग का माइनस में, दोनों सेम साइन है तो दोनों सेम साइन रहेगा, तो रूट जो है वो एक्स वन और बी के बीच में, एक्स वन और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर दोनों का अपोजिट साइन रहता तो क्या होता, एक क्या होता, ए और एक्स वन के बीच में लाई करता, लेकिन दोनों का साइन चेंज है। ठीक है, दोनों का साइन जो है, देख लेते हैं एक बार, दोनों का सेम साइन है, दोनों का सेम साइन है तो हम लोग का रूट एक्स वन और बी के बीच में लाई करेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जहाँ जहाँ हम लोगों का ए था उसके जगह पे हम लोग एक्स वन डालेंगे। तो ए जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ एक्स वन डाल के हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फिर हम लोग इसी तरीके से इसमें एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्या कि किसका साइन क्या है। तो हम लोग एफ ऑफ ए का साइन हम लोग का नेगेटिव था और एफ ऑफ एक्स टू का साइन भी नेगेटिव है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रूट जो है वो एक्स टू और बी के बीच में लाई करेगा। और जहाँ जहाँ हम लोगों का फार्मूला में बी था वहाँ पे हम लोग एक्स टू डालेंगे, क्या डालेंगे, फार्मूला में बी के जगह पे एक्स टू डालेंगे और निकालेंगे। और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते चलेंगे, कब तक, बहुत देर तक निकालते हैं। सिक्स निकाला, सेवन्थ निकाला, एट्थ निकाला, एट्थ तक निकालना पड़ा, तब जाके देखिए यहाँ पे भी 2.0943 है और यहाँ पे भी 2.094 मतलब कि अप्रॉक्स है। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और हम लोगों का इसी प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब आप लोगों का ये हो गया है रेगुलर फॉल्सी मेथड, आप लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड कर लेंगे, डेरिवेशन भी बता दिया गया, फार्मूला भी याद करवा दिया गया है, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एक बार फार्मूला देख लीजिए, याद रखिएगा, न्यूटन सॉरी रेगुलर फॉल्सी मेथड। हाँ, फार्मूला क्या है, ए इंटू। चलिए अब हम लोगों का लास्ट है न्यूटन रैप्सन मेथड करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग, पता है, कोई हम लोगों का इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो उसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट रूट मान लीजिए, अप्रोक्सीमेट रूट एक्स नॉट मान लिए, तो एक्स नॉट तो हम लोग का अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट चाहिए तो उसमें कुछ इंक्रीज करना होगा, तो हम लोग एच से इंक्रीज कर देंगे, तो एक्स नॉट प्लस एच जो है एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, फिर देखिए, अगर कोई भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों का कोई उसका रूट है तो उसको जरूर वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लोग एफ ऑफ करेंगे, उसमें रूट डालेंगे तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए। हम लोग टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एच जो है वो बहुत ही छोटा है, अगर एच बहुत छोटा है तो हम लोग एच के हायर पावर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो एच के हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये बचेगा और यहाँ से एच आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, और यहाँ से एक्स वन ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन के जगह पे एक्स फुटिंग एक्स वन फोर एक्स नॉट, हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन की जगह पे एक्स नॉट जहाँ था ना वहाँ पे एक्स वन पुट करके फिर हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिर हम लोग थर्ड फोर्थ करके एन प्लस वन अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, और यही हम लोग का न्यूटन रैप्सन फार्मूला हो जाएगा। न्यूटन रैप्सन फार्मूला का डेरिवेशन आता है तो आप लोगों को अंदर से बहुत ही खुश हो जाना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसे आएगा भी। ठीक है, न्यूटन रैप्सन का ए और बी करके आएगा, एक में डेरिवेशन पूछेगा और एक में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से बनाना है, क्या करना है?